हेलो गाइस, आई एम पूनम सिकरवार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रेग्नेंट लेडी के पैरों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसके पेट में एक लड़का है या लड़की। देखिए, सालों से लोग बहुत सारे अंधविश्वासों पर बिलीव करते आए हैं और उसी में से एक अंधविश्वास ये भी है कि लोग प्रेग्नेंट लेडी के पेट में पल रहे बच्चे का जेंडर पता करते हैं और इसके लिए वो उनके पैरों को देखकर पता करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी के पैर जो हैं उन पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तो उसके पेट में एक लड़का है, और अगर प्रेग्नेंट लेडी के पैरों की हेयर ग्रोथ नॉर्मल होती है तो उसके पेट में एक लड़की है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के पैर अगर भारी होने लगते हैं तो उसके पेट में एक लड़का है, और अगर उसके पैर जो हैं वो हल्के रहते हैं तो उसके पेट में एक लड़की है। लेकिन इन सब के पीछे कोई भी साइंटिफिक प्रूवन रीज़न नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। लोग सिर्फ तुक्का मारते हैं, इसलिए आप ऐसे अंधविश्वासों पर बिलीव नहीं करें, क्योंकि सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो लड़का होगा या लड़की। और अगर कई बार लोग इन अंधविश्वासों पर बिलीव करके उनके तुक्के फिट बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी खुद की सिस्टर के और पैरों के हेयर अच्छे खासे ग्रोथ थे, लेकिन जब हुआ तो उनके एक लड़की हुई, तो इससे मुझे पता चला कि ये सब कुछ सच नहीं होता है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास होता है। पैरों के बालों की ग्रोथ सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से लेडी के पैरों में बदलाव आते हैं। तो जो लोग आपसे ये कहते हैं कि पैरों में बदलाव आने की वजह से आप जेंडर का पता लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। आप ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर भी करें। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर्स एंड बाय। Bye-bye.